हे गाइस व्हाट्सअप। और आज हम स्टार्ट करते हैं 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो 27 दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी कुछ मदद कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मोहल्ला को, ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, अदरवाइज आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें स्टडी मोहल्ला सर्च करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, हाल ही में अटल आयुष्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो हाल ही में अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में शुरू की गई, उत्तराखंड में, और इस योजना का नाम है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। उत्तराखंड की बात आती है तो चीफ मिनिस्टर हैं इसके त्रिवेंद्रम सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है देहरादून। देहरादून में FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना है आपको। यह है मध्य प्रदेश, ऊपर जाओगे आप यह उत्तर प्रदेश, और उसके ऊपर उत्तराखंड, उस उत्तराखंड के ऊपर है हिमाचल प्रदेश, ठीक, और उत्तराखंड के जस्ट बाजू में है हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करती है उत्तराखंड की। आगे बढ़ते हैं। पैडी एश डाउन जो पूर्व उदारवादी लोकतांत्रिक नेता थे, वो किस देश में पैदा हुए? तो पैडी एश डाउन हमारे भारत में पैदा हुए हैं, भारत में न्यू दिल्ली में। उसके बाद ये चले गए आयरलैंड और आयरलैंड में बने उदारवादी लोकतांत्रिक नेता। तो पैडी एश डाउन, ये जो इमेज में दिख रहे हैं पैडी एश डाउन। आयरलैंड की बात आती है तो कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वराडकर और प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। ये हमारा प्यारा भारत, ऊपर जाएंगे आप तो ये है आयरलैंड। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस स्टेशन को राजनाथ सिंह से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन का पुरस्कार मिला है राजस्थान में, राजस्थान में बीकानेर एक जगह है और बीकानेर में एक पुलिस स्टेशन है कालू, ओके, कालू, कालू पुलिस स्टेशन को अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुरस्कार, ओके। अच्छा, जो टॉप थ्री हैं पुलिस स्टेशन वो आपको याद रखने हैं, कालू है राजस्थान में, कैंपबेल बे अंडमान निकोबार में है, फरक्का है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अच्छा, जो कैंपबेल बे अंडमान निकोबार है उसमें एक और आइलैंड है सेंटलिनीज आइलैंड। तो सेंटलिनीज जनजाति अभी हाल ही में न्यूज़ में थी तो आपको वो भी याद रखना है। राजस्थान की बात आती है क्योंकि उसने टॉप किया है, तो टॉप परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन है राजस्थान में कालू। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस के हैं, हाल ही में बने हैं, गवर्नर है कल्याण सिंह, कैपिटल है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है और आमेर का फोर्ट भी पिंक सिटी में है, जल महल हवा महल यहीं पर है। ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, नीचे गुजरात, ऊपर है हरियाणा, इस तरफ उत्तर प्रदेश, इस तरफ पंजाब, ओके। कॉरपोरेशन बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कॉरपोरेशन बैंक के नए MD और CEO बने हैं PV भारती। ये जो इमेज में देख रहे हैं आप, ये हैं PV भारती। अच्छा, कॉरपोरेशन बैंक की बात आती है तो हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर कर्नाटका में है, CEO अभी थे जय कुमार गर्ग, अब बन गई हैं PV भारती, फाउंडर इसके खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला। हाल ही में रफ़ी पुरस्कार किस गायक को दिया गया? तो हाल ही में रफ़ी पुरस्कार उषा टिमोथी को दिया गया है, उषा टिमोथी, ये जो इमेज में देख रहे हैं उषा टिमोथी। इनके साथ साथ रफ़ी पुरस्कार एक म्यूज़िक कंपोज़र को भी दिया गया है, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उनका नाम क्या है म्यूज़िक कंपोज़र का? स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया? तो स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ओके। RBI ने अतिरिक्त सुविधाओं के साथ कौन सा नोट जारी करने की घोषणा की है? तो RBI हाल ही में अब इंट्रोड्यूस करने वाली है 20 रुपए का नया नोट, ओके, 20 रुपए का, ये आप देख सकते हैं 20 रुपए का नोट। RBI की बात आती है तो ये बना था 1935 में, गवर्नर है इसके अभी शक्तिकांत दास, इसके पहले थे उर्जित पटेल, हेडक्वार्टर इसका मुंबई। पद्मश्री अवार्डी सुलिगित नरसम्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह सामाजिक कार्य, सोशल वर्क से संबंधित थी, ये हैं सुलिगित नरसम्मा। राजनाथ सिंह ने किस शहर में 150 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 150 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी लखनऊ है और गवर्नर हैं राम नाइक, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। आपको याद रखना है गवर्नर्स की एक कमेटी बनी थी, राज्यपालों की एक कमेटी बनी थी, उसके हेड हैं राम नाइक, ठीक है। इस कमेटी का काम क्या था? किसानों की आय को दुगना करने में हेल्प करना, क्लियर हुआ। उसके पहले एक और कमेटी बनी थी,
आपको याद होना चाहिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक और कमेटी बनी थी जिसका नाम है अशोक दलवाई कमेटी। तो दो कमेटी याद रखनी है आपको, राम नाइक कमेटी और अशोक दलवाई कमेटी, दोनों कमेटी किस लिए हैं, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। और रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर फ्रॉम हिज विलेजेस, यह किताब किस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, तो यह किताब बीजेपी के एमपी हैं वरुण गांधी, उनके द्वारा लिखी गई है। ये जो इमेज में देख रही हैं वरुण गांधी। महाराष्ट्र सरकार ने किस सिंचाई योजना के लिए 4,089 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने तेंभू, तेंभू एक मेजर प्रोजेक्ट है याद रखना आपको, ओके मेजर प्रोजेक्ट है, तो मेजर सिंचाई योजना के लिए 4,089 करोड़ की मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की बात आती है तो कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है सी विद्यासागर राव और चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। यह है मध्य प्रदेश, नीचे आप देख सकते हैं यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की किस किस स्टेट से बाउंड्री टच होती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका, और एक और है छोटा सा गोवा। 2014 और 18 के बीच भारत की वार्षिक टीकाकरण वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक बढ़ी है, तो 4% बढ़ी है वार्षिक टीकाकरण वृद्धि दर भारत की, ठीक है। ललित गिरी संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया, ललित गिरी संग्रहालय उड़ीसा में बनाया गया, उड़ीसा, उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है एससी जमीर। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया, भितरकनिका, गैरमठ, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये है मध्य प्रदेश, साइड में जाओगे आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जस्ट साइड में उड़ीसा, ओके। उड़ीसा के किस किस स्टेट से बाउंड्री टच होती है, तो वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है, इतने स्टेट से टच होती है उड़ीसा की बाउंड्री। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक साथ कपड़े के एक टुकड़े में सिलाई करने के लिए ध्वनि तरंगों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, मतलब कि साउंड वेव्स से इन्होंने सिलाई कर दी, तो ये किस देश के वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन और स्पेन के। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर जाओगे आप तो ये पड़ेगा आपको ब्रिटेन और नीचे ये पड़ेगा स्पेन, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग 2018 किस स्थान पर खेला जा रहा है, तो प्रो कबड्डी लीग 2018 कोलकाता में खेला जा रहा है, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता की बात आती है मतलब कि वेस्ट बंगाल की बात आती है, तो कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है इसके केशरीनाथ त्रिपाठी, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ममता बनर्जी को। ये है मध्य प्रदेश और ये जाओगे आप ये है वेस्ट बंगाल, ओके। किस व्यक्ति को प्रिंस चार्ल्स से MBE का शाही सम्मान मिला है, ब्रिटिश साम्राज्य का सदस्य का शाही सम्मान मिला है, तो जगदेव सिंह, ये जो इमेज भी देख रहे हैं इनका नाम है जगदेव सिंह। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, किस स्पेस एजेंसी ने अमेरिकी वायुसेना का सबसे शक्तिशाली GPS उपग्रह लॉन्च किया, तो सबसे शक्तिशाली GPS उपग्रह अमेरिकी वायुसेना का लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, इनको याद रखना है आपको एलॉन मस्क, ओके। इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, टेस्ला ग्रुप के फाउंडर भी कौन है, एलॉन मस्क, और इनकी स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। ये आप देख सकते हैं स्पेस एक्स का ये सबसे शक्तिशाली GPS सेटेलाइट। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के खिलाफ है, देखो ये जो जनजाति है इनका कहना है कि जो टाइगर है वो हमारे भाई की मौत बोलते हैं उसको वहाँ पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ये जनजाति कौन सी, इडू मिसमी, और ये जो गालो, सिंगपो, मोम्बो ये भी अरुणाचल प्रदेश की ही जनजाति है, याद रखना है आपको। तो इडू मिसमी जनजाति ने हाल ही में विरोध जाहिर किया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिबांग उसको टाइगर रिजर्व नहीं बनाया जाए, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है ज्योति प्रसाद राजखोवा और चीफ मिनिस्टर हैं खलीचो ब्रिज। ये थोड़ा नाम ले प्रोनाउंस करने में दिक्कत जा रही, तो आप ओके स्पेलिंग आप एक बार याद कर लीजिए, ओके। ये है मध्य प्रदेश और जस्ट बिल्कुल सबसे लास्ट में चले जाओ आप, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है तो इसका नाम क्या रहता है, इसके पहले यहाँ पर इसका नाम रहता है सांगपो,
ओके सागपो, ठीक। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तब उसका नाम क्या रहता है, दिबांग। जब असम में एंटर होती है तो उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये था हमारा वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।